मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमारा जो रनिंग चैप्टर है उसके कुछ पॉइंट हमें अभी देखने हैं, बचे हुए हैं जो रनिंग जो पॉइंट था। तो वो जो चल रहा था माइक्रोसैस बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। तो आज हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं बायो कंट्रोल एजेंट। बायोकंट्रोल एजेंट क्या है? बायोकंट्रोल एजेंट का मतलब कि जब हम लोग इन मॉडर्न सोसाइटी में हम अपने प्लांट के या क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जितने भी केमिकल्स हैं या एज ए फर्टिलाइजर, ये सारे जो हम लोग यूज करते हैं उसके दो साइड इफेक्ट आते हैं। ओके, तो इनका एक बैड इफेक्ट जो होता है किसका, ये जो हम लोग यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड का एंड पेस्टिसाइड का, इसका दो इफेक्ट। एक तो हार्मफुल इफेक्ट किसके ऊपर, तो हमारे ह्यूमन के हेल्थ पे आता है, एंड सेकेंड ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करता है, पॉल्यूटेड आवर एनवायरमेंट। तो हमारे एनवायरमेंट को जो पॉल्यूटेड कर रहा है तो कौन कौन से, जैसे तो सॉइल की क्वालिटी को डिक्रीज करता है, साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में भी पॉल्यूशन इंक्रीज करता है। यानी कि ये केमिकल्स जो है वह रेन वाटर के थ्रू किसी रिवर में जाएंगे और रिवर से फिर वह ग्राउंड वाटर के रूप में जाके सेडिमेंट होगा, तो हमारे ग्राउंड वाटर को भी यानी वाटर को पॉल्यूटेड करेगा और सॉइल में जाके मिक्स होकर सॉइल की क्वालिटी को डिक्रीज करेगा। तो ये जो है इसके इफेक्ट है ये सब केमिकल यूज करने के। अब इसी चीज से बचने के लिए हम लोग कुछ बायो कंट्रोल एजेंट यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जो हमारे प्रोडक्टिविटी को विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स के क्या करें, इंक्रीज करते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट। तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं क्या है बायो कंट्रोल एजेंट। Biological method for controlling plant disease and for controlling plant disease and pest, plant disease and pest. In modern society, it is controlled by chemical like pesticide and insecticide. तो pesticide और insecticides को हम लोग लेकर के इसको control करते हैं। These chemicals are harmful for human and animal. And it polluted our soil and
ग्राउंड वाटर. तो पॉल्यूटेड आवर एनवायरमेंट या ग्राउंड वाटर तो ये सारी चीजों को क्या करते हैं, ये सब केमिकल हम लोग यूज करते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं ये सी हमारे पॉल्यूटेड होते हैं. आइए बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज. मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट, मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट विदाउट यूज ऑफ केमिकल, विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स ऑर्गेनिक फार्मर वर्क टू क्रिएट, फार्मर वर्क टू क्रिएट क्रिएट ए सिस्टम वेयर द इंसेक्ट, a system where the insect या pest are not eradicated but it is but it is kept to manageable, यानी उसको कंट्रोल करके मैनेज कर सके हम लोग, kept to manageable level. ऐसा नहीं है कि जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं वो ये जो पेस्टिसाइड या इंसेक्ट है उसको पूरी तरह से खत्म कर दें, इरेडिकेट कर दें एनवायरनमेंट से, ऐसा नहीं होता है. लेकिन इस मेथड से, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, उस मेथड से हम लोग उसके नंबर को या उसके पॉपुलेशन को मैनेज करने लायक रख सकते हैं. तो यही हुआ कि पूरी तरह से एडिकेट तो नहीं कर सकते हैं, बट इट केप्ट टू मैनेजेबल लेवल. ओके, यानी मैनेज करने लायक उसको कंट्रोल कर सकते हैं. द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स reduce our dependence on toxic chemical and toxic chemicals and toxic chemicals and pesticide toxic chemical and pesticide an important part of the biological farming is approached to become becomes familiar with the various
life form that inhabit the field predator as well as pest predators as well as pest and also their life cycle and also their life cycle. देखिए यहां पर क्या कहते हैं, the use of bio control measure reduce our dependence on toxic chemical. अगर ये चीज हम फॉलो करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर लेते हैं, तो जो टॉक्सिक केमिकल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी, जिसके मदद से हम पेस्ट को या इंसेक्ट को रोक कर पाते थे या कंट्रोल कर पाते थे, वो कम हो जाएगा. एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि सारे पेस्टिसाइड को मार के खत्म करना ही सॉल्यूशन नहीं है, उससे हमारा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है. जो भी इंसेक्ट या कुछ एनिमल जो है उनका एक एनवायरमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, वो हर चीज एक के ऊपर एक चैनल बना हुआ है. तो अगर एनवायरमेंट में से किसी भी एक स्पेसीज को पूरी तरह से खत्म करते हैं, दैट मींस कि आप एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसका आज नहीं तो कल कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है. तो इसीलिए कह रहा है कि टॉक्सिक केमिकल का अप्रोच हम लोग जितना कम करेंगे, उतना हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे सॉइल के लिए, हमारे वाटर के लिए इम्पोर्टेंट है. और इसी सब चीज को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल या पेस्ट बायो पेस्टिसाइड का हम लोग यूज करते हैं. आइए चलिए इसमें देखते हैं हम लोग इसके ये बाकी कुछ एग्जांपल को. Example of biocontrol. Example of biocontrol. जैसे ladybird. तो ये जो है वो ladybird एक ऐसे animal है जो क्या कर रही है, ladybird नाम है ladybird. That means कि ये दूसरे aphids वगैरह को खाने का काम होता है. तो ये दूसरे एफिड्स को खाता है, जिसके वजह से उनका नंबर कम होगा, चिता नंबर कम होगा, यानी एक तरह से वो क्या हो गए, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में ये काम हुआ. तो ये बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्जिन्स, रेड एंड ब्लैक margin useful in controlling aphids. Okay, dragonfly malaria भी हमने बताया था. dragonfly ये क्या करता है, तो control mosquito. तो मॉस्किटोस को कंट्रोल करने का काम, इसलिए इसको मलेरिया में भी हम लोग कर देखते हैं. बैसिलस थ्रुंजियनसिस, बैसिलस थ्रुंजियनसिस इसको हम लोग बीटी से फेमस है. तो बैसिलस थ्रुंजियनसिस आपको पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी में इसी के ऊपर है. एक बैसिलस थ्रुंजियनसिस एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक जीन होता है, और वह जीन जो है वह एक अल्कलाइन टॉक्सिक केमिकल यानी अल्कलाइन टॉक्सिक प्रोटीन एक तरह से इनएक्टिव प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो अल्कलाइन मीडियम में ही सोलुबलाइज होगा. अब हमारे अंदर अल्कलाइन मीडियम नहीं होता है हमारे गट में, लेकिन जो लार्वी है, ये जो इंसेक्ट है उसके लार्वी के गट में क्या होते हैं, अल्कलाइन मीडियम होता है. तो जैसे ही वो बैसिलस थ्रुंजियनसिस को खाएंगे,
उनके गट में जा करके वह जीन एक्टिव होगा, दैट मींस कि वह प्रोटीन एक्टिव होगा और वह टॉक्सिक प्रोटीन होता है जो पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे ही उसके गट में अल्कलाइन मीडियम मिलेगा, इसका जो प्रोटीन है वह जाके सोलुबलाइज होगा और टॉक्सिक होगा, तो वह पोर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही गट में पोर होगा तो वह मर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यह बैसिलस थुरिएंसिस का यूज जो है वह करते हैं हम लोग, ठीक है। और बैसिलस थुरिएंसिस का तो हम लोग बीटी कॉटन जो ब्रिटी विंटल जो है वह वहां पर बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल। तो ये बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे, कहा तो बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि बीटी के स्पोर को सैचेट में बेचते हैं। फार्मर क्या करते हैं कि इसके पैकेट को छोटे छोटे सैचेट में, उस सैचेट को खरीद करके और उसको वाटर में मिला करके सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करा देंगे, जैसे ब्रैसिका प्लांट के ऊपर या वेजिटेबल के ऊपर, ठीक। अब ये चला गया। अब जैसे ही जो बुलवॉर्म है या कोई दूसरा इंसेक्ट है वो आकर के उसको खाएगा, तो खाएगा तो इसके सैचेट में ये जो स्पोर है वह स्पोर प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन अल्कलाइन मीडियम में जाकर सोलुबलाइज होता है, वो टॉक्सिक प्रोटीन होता है। तो वो गट में उसके अल्कलाइन मीडियम होगा, वो जाकर के सोलुबलाइज होगा और वो टॉक्सिक प्रोटीन सोलुबलाइज होने के बाद पोर का फॉर्मेशन करा देगा उसके गट में, और जैसे ही गट में पोर का फॉर्मेशन होगा वह इंसेक्ट या पेस्ट जो है वह मर जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या है, इट इज ए माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट that can be introduced to butterfly, caterpillar. These are available in sachets which are mixed with water, and spray onto plant like brassica, and fruit trees, where these are eaten by insect larvae. In the gut of larvae, the toxin is released and the larvae get killed and the larvae get killed because
टॉक्सिन आर सॉल्युबलाइज इन अल्कलाइन मीडियम ऑफ मीडियम इन द गट ऑफ लार्वी दैट क्रिएट ए पोर। ये पूरा पैसा फ्रुजियंसिस में हम लोग देखें, इसलिए इसको ब्रैकेट में करके आपको यहीं पर एक चीज समझा दिया मैंने ताकि आपको ध्यान रहे। द ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप्ड बाय द ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग है बैसिलस बैसिलस थ्रुंजियंसिस टॉक्सिक जीन इनटू प्लांट विच फॉर्म इनएक्टिव टॉक्सिक प्रोटीन जो टॉक्सिक प्रोटीन को बनाएगा, और जैसे ही वो खाएगा वो टॉक्सिक प्रोटीन क्या होगा उसके अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वो टॉक्सिक जो हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करते हैं एग्जांपल के रूप में जो अभी हम लिखे थे यहाँ पर कौन, तो बीटी कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट है। बीटी ब्रिंजल को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया लेकिन फिर उसे रोक दिया गया, ठीक है। तो बीटी ब्रिंजल जो है वो मार्केट में नहीं है लेकिन बीटी कॉटन जो है मार्केट में है, लेकिन सक्सेसफुली बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल दोनों बने हैं। बस गवर्नमेंट ने, और उसको क्यों रोका गया, क्योंकि जो बायो कंट्रोल पेस्टिसाइड बेचने वाले बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो लीडर लोगों को कुछ अलग से कुछ इन्वेस्टमेंट दे करके उनसे ये चीज काम रुकवा लिया क्योंकि उनका फिर प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, तो इसी वजह से ऐसा हुआ। अब आइए देखिए फंगस, ट्राइकोडर्मा फंगस को हम लोग प्लांट के ऊपर डेवलप कराते हैं। डेवलप ऑन प्लांट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट, तो किस चीज के लिए यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब है कॉक्यूलो वायरस, बॉक्यूलो वायरस हमेशा होस्ट स्पेसिफिक होता है, तो बॉक्यूलो वायरस का यूज करके हम लोग दूसरे स्पेसिस को यह इन्फेक्ट नहीं करेगा जिस पार्टिकुलर स्पेसिस के लिए होस्ट स्पेसिफिक, का मतलब कि आपका एक अलग पार्टिकुलर कोई दुश्मन होगा या पार्टिकुलर दोस्त होगा तो वो आपके लिए स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि वो सबका दुश्मन है। डैटनोस उसी तरह से ये वायरस हमेशा होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, इसका जो दुश्मन है वो स्पेसिफिक होगा। जैसे टीएमवी वायरस वो हमें कोई नुकसान नहीं करेगा लेकिन टोबैको को नुकसान करेगा,
एचआईवी एड्स का वायरस वो हमें नुकसान करता है, लेकिन डॉग को अगर एचआईवी वायरस डाल देंगे तो वो नुकसान उसको नहीं करेगा। तो इसी चीज को कहते हैं हम लोग होस्ट स्पेस। ठीक, सो वर्कुलर वायरस का यूज करके हम लोग इसके जो पार्टिकुलर होस्ट हैं उसको इन्फेक्ट करा के उसको खत्म करते हैं और बाकी जो क्रॉप प्लांट है उसको बचाने का काम करते हैं इससे। देखिए, बैक्टीरियोवायरस पैथोजेन दैट अटैक इंसेक्ट बैक्टीरियोवायरस पैथोजेन दैट अटैक ऑन insects and other arthropods the majority of baculovirus used as biocontrol agent in the genus nucleopolyhedrovirus nucleopolyhedrovirus. They have no negative impact on plant mammals, bird, fish, or even on non-target insect, तो समझे इसका इस बैक्टीरियोवायरस का किसके किसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी इसी चीज को कह रहे हैं कि they have no negative impact. तो किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर, मैमल्स के ऊपर, बर्ड के ऊपर, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट, यानी जो हमारा टारगेट का इंसेक्ट नहीं है। अगर ये लोग बैक्टीरियोवायरस को खा भी लेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। क्यों? इसके लिए मैंने शुरू में एक सेंटेंस बोला था कि बैक्टीरियोवायरस इज होस्ट स्पेसिफिक। तो बैक्टीरियोवायरस क्या है? हमेशा होस्ट स्पेसिफिक, इसी वजह से ऐसा होता है। अब हेडिंग देंगे बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड बायोपेस्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर अप्लाइड टू डिस्ट्रॉय which are applied to destroy the pest. They are used to destroy the pest insect. और इसके टू बेसिक टाइप्स हैं बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, तो बायो हर्बिसाइड ओके एंड बायो फर्टिलाइजर के रूप में, ये तो पहले देखिए, ओ सॉरी बायो फर्टिलाइजर नहीं, तो पहले बायो हर्बिसाइड। हर्ब का मतलब या
यानी वीड। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी पार्टिकुलर वीड को खाता हो तो उसका यूज करके हम लोग वीड को खत्म कराने का काम करते हैं, यानी हर्ब्स को, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है वो। जैसे ऑक्विन में भी आपको बताए थे कि ऑक्विन जो है वह वीडिसाइड के रूप में भी यूज करते हैं, यानी कि मोनोकोटिलेडोन उसको खत्म करने का काम करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर वीडिसाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल, अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। इंसेक्ट प्रीडेटर पहला कैटेगरी जो है, इंसेक्ट प्रीडेटर्स ये इंसेक्ट है, और वीड जो है जैसे वो ओपुंटिया प्रिकली, इसको हम लोग ईयर कैक्टस भी कहते हैं, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम कॉक्नियल इंसेक्ट, यानी या इंसेक्टिस वीडिसाइड का नाम हुआ जो वीड को खाता है। कौन से वीड को? तो ऑप्टुनसिया प्रिकनी को, जिसको पियर कैक्टस भी कहते हैं। अब हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप में जो खेती कहीं पे कर रहे हैं वहां पर ये भी आ गया, अब इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ये क्या करेगा? हमारे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेकर के अपना ग्रोथ करेगा, लेकिन हमें इससे कोई फायदा नहीं होना है। तो या तो हम केमिकल का यूज करके इसको खत्म करें या फिर बायो कंट्रोल एजेंट लें। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यह जो स्पेसिज है वो इसको खाने का काम यानी खत्म करने का काम करता है। तो इससे फायदा हो गया हमें। तो एक ये एग्जांपल इसमें, दूसरा देखिए हाइपेरिकम परफोरेटम इन यूएसए कलमाथ वीड, कलमाथ वीड क्रिसोलिना बीटल्स, CHRYSO क्रिसोलिना बीटल्स। तो इस वीड को खाने का काम यह स्पेसिस करता है, क्रिसोलिना CHRY क्रिसोलिना बीटल्स। ये क्या करेगा? तो हाइपेरिकम परफोरेटम जो एक वीड है जिसे कलमाथ वीड कहते हैं उसको खाने का ये काम करता है। अब आइए दूसरा है माइको हर्बिसाइड यानी फंगाई का, जिसमें यूज करते हैं हम लोग माइको
herbicide. Micro herbicide, fungi, fungal spore are used as herbicide. Milkweed vine in citrus orchards. Spore of fungus. Phytophthora. Palmivora, known as divine. First micro herbicide. एक तो ये हो गया फंगल हर्बिसाइड में. सेकंड है नॉर्दर्न जॉइंट विच इन राइस फील्ड The spore of fungus. Coletotrichum. Sporioids known as Coligo. Water hyacinth in third में देखिए water in Florida, USA. A spore of fungus. Cercospora. इंसेक्टिसाइड का देखेंगे तो ये बायो हर्बिसाइड हो गया यानी हर्ब को मारने वाला हर्ब को खत्म कर खाने वाला अब आइए बायो इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट को खाने वाला इंसेक्ट को खत्म करना तो ये जो साइड वर्ड होता है ना फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन साइड का मतलब होता है हत्या अब जिसके आगे साइड रख दिया सुसाइड दैट मींस खुद की हत्या मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या तो जैसे इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट का हत्या तो ये साइड वर्ड जो है वो उसका मतलब ही है हत्या जिसके बाद लगा यानी कि उसकी हत्या हुई तो इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट का हत्या हर्बिसाइड मतलब हर्ब मतलब छोटा प्लांट उसकी हत्या यहां पर देखिए बायो इंसेक्टिसाइड
बायो का मतलब लिविंग, इंसेक्ट का मतलब इंसेक्ट, और साइड वर्ड लग गया, यानी कि एक लिविंग इंसेक्ट का हत्या जो होता है जिससे, तो उसको कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट और देयर प्रोडक्ट्स विच आर एबल टू किल, विच आर एबल टू किल अ स्पेसिफिक इंसेक्ट स्पेसिफिक इंसेक्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग कुछ अभी इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे उसके एग्जाम्पल देखे थे कैटेगरी और इधर एक तरफ एग्जाम्पल। ओके, स्टरलाइजेशन स्ट्रेटजी यानी स्टेराइज करना, स्टेराइजेशन का स्ट्रेटजी का मतलब कि मेल को पकड़ करके या उसको स्टेराइल बना दो। अगर मेल स्टेराइल हो गया तो यानी कि वो मेटिंग नहीं करेगा, और मेटिंग करेगा तो उसमें स्पर्म नहीं रिलीज होगा, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फीमेल में। फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब ऑफस्प्रिंग ही नहीं आएगा। तो एक टाइम अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अगर रोक दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा, यानी कि अभी जो जिंदा है वो तो मरेगा ही कुछ समय के बाद, और नया आएगा नहीं, तो उसका नंबर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी स्ट्रेटजी को जो हम लोग अपनाते हैं वह हो गया स्टेरिलाइजेशन स्ट्रेटजी, यानी इसमें मेल को स्टेराइल बना देना। A large number of sterile male are released which meet without producing offspring। इसका एग्जाम्पल है एस्क्रियू वॉर्म में ये चीज हम लोग करते हैं। ओके, आइए सेकेंड जो प्रोसेस है वह है फेरोमोन्स। फीमेल के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला एक केमिकल्स है, सिग्नल है, जिस सिग्नल के वजह से जो मेल पार्ट होते हैं वह फीमेल की ओर अट्रैक्ट होकर के वह सेक्स का प्रोसेस पूरा करते हैं। तो अगर फेरोमोन्स को हम लोग रिलीज करा दें तो मेल अट्रैक्ट होने के लिए आएगा, और जब मेल आया तो उस मेल को कैप्चर कर लो, तो मेल पार्ट क्या हुआ, खत्म, या कैप्चर करके उसको कहीं बंद कर दो या फिर उसे मार दो, वो अलग अलग बात है, लेकिन फेरोमोन्स के मदद से सारे मेल को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग, यानी मैक्सिमम मेल जो हम लोग अट्रैक्ट होकर के आएंगे, अब उनको कैच कर लो, पकड़ लो, देन आफ्टर आपको उसके आगे का जो करना है वो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, तो यह फेरोमोन्स एक केमिकल्स है जो फीमेल के थ्रू रिलीज होता है और यह एक सिग्नल देता है मेल को फॉर द सेक्स। ठीक है, फेरोमोन्स दोज केमिकल those chemical messenger which help in common
कम्युनिकेशन, सेंडिंग अलार्म सिग्नल, फेरोमोन ट्रैप्स, दिस ट्रैप, तो पहला में फेरोमोन ट्रैप्स का प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, इसमें क्या करते हैं, तो दिस ट्रैप अट्रैक्ट मेल, दिस ट्रैप अट्रैक्ट मेल एंड दे बिकम्स अनअवेलेबल अनअवेलेबल फॉर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। सेकेंड में फेरोमोन से ही दूसरा रिलेटेड प्रोसेस कंफ्यूजन टेक्निक। हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा स्टिकिंग मटेरियल पेपर के ऊपर चिपका दिए और साथ ही साथ उसके ऊपर फेरोमोन्स लगा दिए। फेरोमोन्स के सिग्नल यानी स्मेल की वजह से सारे मेल जो हैं उस पेपर के ऊपर आके बैठेंगे और पेपर में स्टिकिंग मटेरियल एक बार चिपका तो वो दोबारा उड़ नहीं पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम मेल क्या हुए, वो कैच हो गए, पकड़ा गए। तो इसी को कहते हैं हम लोग कंफ्यूजन टेक्निक। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पेपर स्ट्रिप विथ कोल फेरोमोन्स आर विथ फेरोमोन्स आर स्प्रेड ऑल ओवर the field so male can no longer locate female. Third one process है molting का। मॉल्टिंग हार्मोन या फिर जुबेनाइल हार्मोन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन एट इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन एट इन अप्रोप्रिएट टाइम result in the early death of insect. फर्स्ट में स्टेराइजेशन, सेकेंड में फेरोमोन्स और थर्ड में नेचुरल इंसेक्टिसाइड। Obtained from living organism.
ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड किल इंसेक्ट किल इंसेक्ट्स और रोटेनो हम जैसे कुछ इसके एग्जांपल रोटेनोन रोटेनोन क्या है तो रूट ऑफ डेरिस इलिप्टिका को मारता है रूट ऑफ डेरिस इलिप्टिका निकोटीन निकोटीन कहाँ है तो निकोटीन टोबैको प्लांट में होता है निकोटीन टोबैको प्लांट में तो यह भी एक इंसेक्टिसाइड रूप में काम करता है थर्ड वन एज अ डायरेक्टिन from neem leaves pyrethrum and cinerine chrysanthemum cinerary folium HURIO Turocide Bacillus thuringiensis Bacillus Bacillus thuringiensis यह भी एक natural insecticide है जो हम लोग देखे थे ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ अब आइए एक होता है कैच प्लांट या ट्रैप क्रॉप कैच या ट्रैप क्रॉप ये क्या करते हैं हम लोग कि ये समझो कि हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है इतना बड़ा ओके और इस एग्रीकल्चरल फील्ड के चारों तरफ कॉर्नर में ठीक यहां पे हम लोगों ने क्या किया है यहां पे हम लोगों ने भिंडी का प्लांट लगा दिया ओके चारों तरफ ये चारों तरफ पहले क्या किया हम लोगों ने ये भिंडी के प्लांट को लगा दिया और बीच में चारों ये एग्रीकल्चरल फील्ड का मिड पार्ट जो है यहां पर हम लोगों ने ये कॉटन का प्लांट है ये हो गया कॉटन और ये हो गया भिंडी यहां पर भी क्या लगाया हमने भिंडी का चारों तरफ और ये बीच बीच में क्या लगाया हमने कॉटन का भिंडी के प्लांट को पहले लगा दीजिए तो भिंडी का प्लांट जो है वो पहले ग्रोथ करेगा कॉटन का प्लांट बाद में ग्रोथ करेगा लेट से लगाया है
तो भिंडी का प्लांट पहले अगर लगा तो मैक्सिमम जो इंसेक्ट है वो कहाँ आएंगे, भिंडी के ऊपर आएंगे। तो मैक्सिमम भिंडी जो है वो इंसेक्ट से इंफेक्टेड हो गया, मैक्सिमम इंसेक्ट उसके ऊपर आ गए। अब क्या करेंगे, इस भिंडी के प्लांट को काट करके उसमें आग लगा दें। तो भिंडी जब अगर जलेगा तो मैक्सिमम इंसेक्ट भी जल गए, तो एक टाइम के लिए कुछ समय तक वहां पर कोई इंसेक्ट नहीं होगा, जिसके वजह से हमारा कॉटन का प्लांट जो है वह प्रोटेक्टेड हो गया, यानी कम चांसेस हो गए कि कॉटन के प्लांट किसी इंसेक्ट से अफेक्ट होंगे। इंसेक्ट को क्या किया हमने, जला दिया। कैसे, तो ये तरीका अपना के। तो ऐसे भिंडी के प्लांट को या सीसम के प्लांट को जो यूज करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग कैच क्रॉप या ट्रैप क्रॉप। ओके, अब समझ में आया बात, ये कैच क्रॉप या ट्रैप क्रॉप का मतलब क्या हुआ। तो चलिए इसी चीज को हम लोग अब लिखते हैं। Around the major crop in the field, around the major crop in the field, some early growing crop is crop which do not allow
जामफल, बार्ली, राई, सोरगम, सनफ्लावर, अल्फा अल्फा, फ्लावर, अल्फा, सोयाबीन, मिलेट, मैरीगोल्ड, ये सब ऐसे प्लांट है कि जो अपने आसपास इंसेक्ट को ग्रोथ करने ही नहीं देते हैं। एस्प्रोइन वाज फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड, फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड Based on BT, based on BT, यानी Bacillus thuringiensis, integrated pest management, next topic है integrated pest management। IPM, okay. This is desirable when beneficial insects are being conjured program program or being ecologically sensitive area is being treated. लास्ट टॉपिक हमारा जो है वह है माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। ये फिफ्थ पॉइंट था, अगर शुरू से अगर आपको ध्यान हो तो माइक्रोब्स एज हाउसहोल्ड प्रोडक्ट देखा था, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखा था सेकंड हुआ, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट थर्ड पॉइंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड में देखा, और फिफ्थ ये देखा हम लोगों ने माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। ये फिफ्थ टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का लास्ट। नेक्स्ट
देयर आर मेनी। देखो जो हम लोग केमिकल्स ये सब यूज करते हैं उससे तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, तो उसी से बचने के लिए एज ए माइक्रोब साइज बायोफर्टिलाइजर जिसमें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी का, बैक्टीरिया का और फंगस का, ये तीनों का यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो उसी चीज पे लिखेंगे देयर आर मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू there are many problems due to overuse of chemical, so a need to switch, organic farming, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग इज रेजिंग ऑफ क्रॉप थ्रू the use of biofertilizer, अब बायोफर्टिलाइजर क्या है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज करते हैं? बायोफर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब बायोफर्टिलाइजर क्या है? बायोफर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी, quality of soil, the main source of biofertilizer are bacteria, fungi and cyanobacteria and देखिए bacteria में राइजोबियम, राइजोबियम फॉर्म सिंबायोटिक एसोसिएशन विथ root nodule of leguminous plant, ये क्या करता है? तो राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, which is used by plant as nutrients,
plants as nutrients. As nutrients, bacteria like second में देखिए bacteria like Aspergillus and Azotobacter can feast at Morris can fix atmospheric nitrogen atmospheric nitrogen fungi fungi ka dekhiye fungi form symbiotic association with the root of higher plant known as mycorrhiza the fungal symbiote absorb phosphorus the fungal symbiont absorb phosphorus from soil and passes it to plant root show resistance to pathogen tolerance to salinity and drought types of देखो fungi जो है वो symbiotic association करता है higher plants से जिसमें फायदा क्या होता है fungi जो है वो सबसे ज्यादा फॉस्फोरस के अब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए तीन एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ये पोटेशियम जिसको एनपीके फर्टिलाइजर भी कहा जाता है तो मैक्सिमम जो फर्टिलाइजर होते हैं वह एनपीके फर्टिलाइजर के बेस पे होते हैं अब ये फॉस्फोरस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका अब्जॉर्ब कौन कर रहा है तो फंगाई करता है और वो सप्लाई देता है किसको प्लांट को तो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई दिया प्लांट को प्लांट इसका यूज करके अपना ग्रोथ करेगा और फूड बनाएगा अब बना बनाया फूड जो है वो किसको देगा फंगाई को तो दोनों को फायदा हो रहा है इसी को कहते हैं सिंबायोटिक एसोसिएशन अब दूसरा चीज देखो कि जिस प्लांट में इस तरह का सिंबायोटिक एसोसिएशन होता है वो प्लांट के रूट जो होते हैं वो रेसिस्टेंस हो जाते हैं किसके तो वहां पर पैथोजेन का ग्रोथ नहीं हो पाएगा वह रूट जो है वह हाई सैलिनिटी एरिया में भी ग्रोथ कर सकता है या जहां पे सूखा पड़ रहा है ड्राउट एरिया है वहां पर भी ग्रोथ कर सकता है और इस तरह से माइकोरिजा के टू टाइप होते हैं एक होता है एक्टोमाइकोरिजा एंड दूसरा होता है एंडोमाइकोरिजा तो
तो आइए देखते हैं हम लोग एक्टोमाइक्रोरिज्म यानी बाहर से और एंडोमाइक्रोरिज्म मतलब अंदर की ओर। एक्टो माइक्रोरिज्म, एक्टोमाइक्रोरिज्म में हाइफी ऑफ फंगस, हाइफी ऑफ फंगस ओनली फॉर्म्स मेंटल ऑन द आउटर सरफेस। मेंटल ऑन द, देखिए आउटर सरफेस मेंटल लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, आउटर सरफेस। ओके, जनरली बिलोंग्स टू बैसिडियोमाइसिट्स, यानी ये जो फंगाई होते हैं वो बैसिडियोमाइसिट्स। फंगाई के कौन कौन से क्लास थे, तो एस्कोमाइसिट, फाइकोमाइसिट एंड बैसिडियोमाइसिट। तो इसमें जनरली कौन सा फंगाई बिलोंग करता है, जनरली बिलोंग्स टू बैसिडियोमाइसिट्स। ठीक है, तो एक्टोमाइकोरिजा के बाद में सेकेंड देखिए एंडोमाइको। इंडो का मतलब ही है अंदर की ओर, एंडोमाइकोरिजा, और इसी एंडोमाइकोरिजा को हम लोग वीपीएन बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखेंगे हाइफी ऑफ फंगल हाइफी पेनेट्रेट इनटू कॉर्टेक्स फंगल हाइफी पेनेट्रेट इनटू कॉर्टेक्स सेल ऑफ रूट, कॉर्टेक्स सेल ऑफ रूट। एग्जाम्पल ऑर्चिड, कॉफी, ऑर्चिड कॉफी एंड वुडी प्लांट, एंड वुडी प्लांट्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, these are also called vascular, arbuscular vascular arbuscular mycorrhiza, yani VAM vascular mycorrhiza। अब एक लास्ट और देखिए, तो बैक्टीरिया देख लिया हम लोगों ने, फंगाई देख लिया, अब आइए साइनोबैक्टीरिया यानी कि नॉस्टक, ये सब जितने भी होते हैं जो सिंबायोटिक, ये N2 का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, तो वो है सब साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, ट्रॉफिक माइक्रोब्स widely distributed in aquatic and terrestrial environment, aquatic and terrestrial environment, aquatic and terrestrial environment, many of which can fix, many of which can fix atmospheric N2, atmospheric N2
तो ये सब क्या हो गया, सब साइनोबैक्टीरिया में, यानी ये सब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो ये सब जो हो गया वो एज ए बायो फर्टिलाइजर हो गया, जिनका यूज सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने में, ये लोग हमारे सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करके, यानी किसी ना किसी एलिमेंट का सप्लाई प्लांट तक पहुंचाते हैं, तो इसीलिए ये सब क्या हो रहा है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में कहता है। तो इस टॉपिक का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो ये इसमें ये जो चारों पॉइंट ए 5 पॉइंट में बटा हुआ पूरा पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद के नेक्स्ट चैप्टर जो है वो न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है।